इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ये जो फिगर्स दे रखे हैं इनमें हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, जो लाइन आपको गिवन होती है वो जितनी बार कट करे x एक्सिस को उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट फिगर है, यहाँ पे ये हमारी लाइन है जो कि x एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रही है, ये y एक्सिस को कट कर रही है। तो इसमें कितने जीरोस होंगे, तो नो जीरोस, नो जीरोस, इसमें कोई भी जीरो नहीं है। सेकंड देखते हैं, सेकंड है हमारा, तो यहाँ पर ये एक जगह कट कर रही है वो यहाँ है, तो इसमें होगा 1 0, 1 0। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में देख लेते हैं, तो हमारी ये लाइन तीन जगह कट कर रही है एक्स एक्सिस को, वो है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये हमारे हो गए 3 0s, 3 0s। नेक्स्ट है, इसमें हमारी जो लाइन है वो दो जगह कट कर रही है, यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो इसमें हो गए 2 0s। नेक्स्ट है, इसमें हमारी लाइन 1 2 3 एंड 4 टाइम टच कर रही है, तो इसमें हो गए हमारे 4 0s। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितनी बार लाइन कट करे या टच करे तो उतने ही जीरोस होते हैं। लास्ट देख लेते हैं, लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या है, एक यहाँ पे है। अब सेकंड देखो, यहाँ टच कर रहा है, अगर टच कर रहा है तब भी वो एड होगा किसमें, जीरोस में, और 3 यही, तो इसमें है 3 0s। तो यहाँ हमारा ये कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि जितनी बार भी जो लाइन है यानी एक्स एक्सिस है लाइन कट करती है उतने ही जीरोस होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।